आप देख रहे हैं नेशन लाइव, हर पल आपके साथ। खबर असम के शिवसागर से है, जहां छात्र संघ ने सरकार की रणनीति के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। दरअसल सरकार ने ONGC के 8 तेल क्षेत्रों को निजी हाथों में सौंपने का निर्णय लिया था, जिसके खिलाफ छात्र संघ की शिवसागर जिला समिति ने शिवसागर स्थित ONGC के DGB कार्यालय के सामने सामाजिक दूरी बनाकर विरोध प्रदर्शन किया। इस कार्य में आसू के शिक्षा सचिव शरद हजारिका, जिला सचिव समीरन फूकन सहित कई आसू सदस्यों ने भाग लिया। ये लोग अपने हाथों में पोस्टर लेकर सरकार विरोधी नारे लगाते नजर आए। वहीं मटक छात्र संस्था ने लॉकडाउन के बीच में ही केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का पुतला फूंका। केंद्रीय सरकार पेट्रोलियम मंत्रालय शेहतिया के राष्ट्र विभिन्न राज्य तैल क्षेत्र समूह सातखन तैल क्षेत्र विशेषक ONGC व्यक्तिगत कम्पानी हाथ गतए दुरे एक सिद्धान ग्रहण कर बिलकरण दाबी आज आम सदौन छात्र संथा शिवसगरस्थ ONGC कार्यालय सम्मुख आम गणतान्रिक प्रतिबाद सब्यस्त करात्र संथा पूर्वे तैल क्षेत्र व्यक्तिगतकरण विरुदे आम प्रबल प्रतिबाद कर बर्षर आगस्ट माह 100 ঘণ্টীয়া শিৱসাগৰ ONGC খনন উৎপাদন স্থলীসমূহ বন্ধৰ দৰে কঠোৰতম কাৰ্যসূচী আমি গ্ৰহণ কৰিছিলোঁ। এতিয়া এই কৰোণা ভাইৰাছে এটা মহামাৰী ৰূপ লোৱাৰ সময়তে ৰাজ্য চৰকাৰে অতি পৰিকল্পিতভাৱে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ সহযোগত আমাৰ প্ৰচুৰ সম্ভাৱনাপূৰ্ণ এই তৈল ক্ষেত্ৰসমূহ ব্যক্তিগত কোম্পানীৰ হাতত গতাই দি আমাৰ সম্পদ লুণ্ঠনৰ যি কুচকাবাজ আৰম্ভ কৰিছে ইয়াৰ আমি তীব্ৰ প্ৰতিবাদ কৰিছোঁ আৰু তাৎক্ষণিকভাৱে এই সিদ্ধান্ত।